आज है 16 जून 2022, और 16 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण श्रीनिवासन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृष्ण श्रीनिवासन भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में COVID-19 के टीके, खाद्य सुरक्षा और मत्स्य पालन और अनियंत्रित फिशिंग पर सब्सिडी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत इस सम्मेलन में अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के स्थायी समाधान का मुद्दा उठाया है। भारत की तरफ से अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की है। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य देश 164 है। महानिदेशक नागोजी ओकोजो इवेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो सिगरेट के पैकेट पर लिखित व फोटो के रूप में चेतावनी लिखना अनिवार्य करेगा। इस पहल के शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सिगरेट के नुकसान से अवगत कराना है। इससे पहले कनाडा में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति लागू की गई थी। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन एंड्रयू है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, पहला रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को विभिन्न सरकारी योजना के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजना के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। फ्रूट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से पीएम किसान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भुगतान, विशेष वित्तीय सहायता और जाति प्रमाण पत्र जैसी कई योजना का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। भारत के मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता साझेदारी को मजबूत प्रदान करना है और कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन सुगमता के लिए रोड मैप तैयार करना है। सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका और तुबा हसन पाकिस्तान। आईसीसी ने पुरुष वर्ग में श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को मई 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। महिला वर्ग में पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाज तुबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। आईसीसी उन पुरुष महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव। तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल श्रीवास्तव ने इटली में 9वें कोटालिया शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव FIDE रेटिंग में 2500 की बाधा को तोड़कर यह खिताब हासिल किया है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम है और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षित मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिक मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला एक कौशल कार्यक्रम है जिसमें एक व्यक्ति एक कंपनी द्वारा प्रशिक्षु के रूप में संलग्न होता है तथा अवधि पूर्ण का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसके उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षकों को कम काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्तों को उचित प्रतिभा का दोहन करने व बेहतरीन शिक्षण के साथ अलग अलग प्रकार के व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉपेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो कॉपेट का 38वां संस्करण अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्य नौवहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइस चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश भर में अलग अलग राज्यों से 188 जिले शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। ईट राइट चैलेंज का राइज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के सुरक्षित स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। टॉप 3 शहर के नाम पहले पर इंदौर, दूसरे पर वाराणसी, तीसरे पर भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 जून। हर साल 14 जून को विश्व रक्त स्तर पर रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस साल मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस की मेजबानी कर रहा है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। RBL बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।